हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। इग्नू की सारी अपडेट मिलती है हर रोज़ यहाँ पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब कुछ सही होगा। आई विश आप हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए और उसी के साथ हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ है, जो कि पास हो चुके हैं, जो पास नहीं हुए हैं, जो अभी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और जो अपने फाइनल सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है मेरी वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। विदाउट स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नोटिफिकेशंस आई है अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रीजनल सेंटर से आए हुए और सभी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बीएड और बीएससी एग्जामिनेशंस के बारे में जानते हैं। 24 अप्रैल 2022 तक लास्ट डेट थी आप सबके रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का क्लोज हो चुका है, अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए, 8 मई 2022 से होने वाली है एग्जामिनेशंस। इंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए पर्सनल डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे प्लीज़ हमारे कॉल कीजिए। और मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम पे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, या फिर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर का सेट लीजिए और उसे क्लियर कीजिए। एग्जामिनेशन से एक सप्ते पहले अगर आप 10 से 20 सेट क्लियर कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आखिरी तारीख हो चुकी है फिर से एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस आपके असाइनमेंट्स के बारे में। असाइनमेंट्स यानी कि दिसंबर 2021 के स्टूडेंट्स के लिए और जी हाँ जून 2022 के स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट सबमिट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से थ्योरी के एग्जामिनेशंस देनी होती है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तो फिर भी आपको फिर से असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट कब का सबमिट करें, कैसे सबमिट करें, तो दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना की स्टेटस अभी अंडर कंट्रोल है, सारे रीजनल सेंटर वर्किंग है और उसी के साथ आपको कह दिया गया है कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जाके सबमिट कीजिए। ऑफलाइन सबमिट करने के साथ याद रखिए कि आपको रिसिप्ट लेना ज़रूरी है। कई बार रिसिप्ट ना लेने की वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट दिसंबर 2021 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था या फिर उन्होंने असाइनमेंट जमा करना था, आप आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 है, इसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जून 2022 के स्टूडेंट याद रखिए, आपके लिए 15 मई 2022 आखिरी तारीख है, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। दोस्तों आपको असाइनमेंट अगर चाहिए तो सॉल्व असाइनमेंट आप ले सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो भी असाइनमेंट या फिर आपका एनुअल टास्क होता है उसे आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक के थ्रू, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो आपके लिए नोटिफिकेशंस है वो आपके रीजनल सेंटर की तरफ से है, दिल्ली रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के तरफ से। ध्यान रखिए यहाँ पर आपके लिए क्या आया है, लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। जैसे कि आप सबको पता है कि 26 अप्रैल 2022 को यहाँ पे होने वाली है, क्या होने वाला है तो आप सबके लिए होने वाला है यहाँ पे 35th कन्वोकेशन, जिसकी आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे जो है 35th कन्वोकेशन आपकी होगी और श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे आएंगे और आपके लिए यहाँ पे आपको इनवाइट किया जा रहा है ताकि आपका दीक्षांत समारोह जहाँ पे आपको आपकी डिग्री से सम्मानित किया जाता है। तो अगर आप ऐसे चीफ गेस्ट से अगर आप लेते हैं अपना डिग्री तो आपको एक अच्छा फील होता है, आपको सम्मानित किया जाता है। तो 26 अप्रैल 2022 को ये होने वाला है 11 बजे और इसके लिए दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से देखिए यहाँ पर आ चुकी है नोटिस। यहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है, पास आउट स्टूडेंट जो भी हैं वो अटेंड कर सकते हैं 35th कन्वोकेशन। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम कोड के साथ इनरोलमेंट नंबर, नाम और काउंटर और डिग्री नंबर सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपका भी नाम इसमें है और आप चाहते हैं कि आप उसमें प्रेजेंट हो तो आप आराम से वहाँ जाके प्रेजेंट हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी बात है यहाँ पे अगला अपडेट ज़रूर देख लीजिए।
दिल्ली टू रीजनल सेंटर के तरफ से। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, सपोज़ आपने अगर कन्वोकेशंस के लिए अप्लाई नहीं करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट कन्वोकेशन का यानी कि जिनकी जो डिग्री है अगर आप अटेंड नहीं हो सकते तो आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं 27-28 तारीख को, 26 तारीख के बाद जो है 26 अप्रैल के बाद आप वहाँ से जाके अपनी फाइनल डिग्री कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके रीजनल सेंटर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगली अपडेट है वो है आपके दिल्ली टूरिज्म सेंटर की तरफ से, जहाँ पे प्रैक्टिकल शेड्यूल हुआ है बीएससी जनरल और बीएससी के लिए। देख सकते हैं यहाँ आपका जो एग्जामिनेशन डेट है और उसी के साथ साथ ही आप पता कर लीजिए आपकी एग्जामिनेशन कब होने वाली है, क्योंकि सिंपली यहाँ पे बस यही दिया हुआ है कि स्टूडेंट आप जो यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है और उसी के साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है, आप जाके अपना पता कीजिए कि आपका एग्जामिनेशन कब है। असाइनमेंट के बारे में ज़रा सा हम जान लेते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जो कि इग्नू के वेबसाइट से आपको मिल जाती है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ, असाइनमेंट अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको रीअसाइनमेंट सबमिट करनी होती है, वो भी लेटेस्ट। जैसे कि अगर आप जून के असाइनमेंट में फेल हो गए तो आपको फिर अगर दिसंबर में असाइनमेंट सबमिट करनी है तो दिसंबर सेशन में जमा होने वाला असाइनमेंट आपको करना होगा। सिंपली मैं बता दे रही हूँ सिंपल शब्दों में। और जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि असाइनमेंट बिना जमा किए हम पास हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। कई सारे स्टूडेंट का सवाल था जो पास आउट हो चुके हैं कि हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा। देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसके साथ आपको सारी डिटेल फिल करनी होगी, जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको मांगी जा रही है। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको पे करना होगा और इसे आपको सबमिट करनी होगी अपने रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर में। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए और जाके अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ले लीजिए, ये आपको इग्नू के थ्रू ही मिलेगा और बिल्कुल ही ऑफलाइन प्रोसेस है। इसके लिए कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स में, इग्नू के ऑनलाइन वेबसाइट में कुछ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए वही है कन्वोकेशन के बारे में, रिजल्ट को चेक कर लीजिए। आप सबका रिजल्ट आ चुका है और फाइनल रिजल्ट भी जारी होने वाला है। फिलहाल आखिरी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ये आप ध्यान में रखिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि आखिरी रिजल्ट आ चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकल जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप ये बात नहीं सोचिएगा, आपका रिजल्ट 15 मई के बाद ही अच्छे से क्लियर होगा। तब तक आप वेट कर लीजिए। और अगर स्टूडेंट आप फिर से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सपोज कोई स्टूडेंट बैक हो गया है जिसका पेपर रह गया है, तो आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं आने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशंस में। तो उम्मीद है मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक नहीं करते। और कमेंट में कुछ नहीं तो आप जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, उनको कम से कम विश कर दीजिए, उनके लिए एक लाइन लिख दीजिए, कुछ भी जो आप कहना चाहते हो। तो उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन जो है पूरा फुल होगा। थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक करना।